जी वेलकम बैक, एक दफा फिर खुश आमदीद कहते हैं. और जैसे ही हम वापस आते हैं, मुझे कान में कहा जाता है, इससे पहले कि आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, प्लीज कॉल्स ले लें, बिकॉज कॉल्स बहुत सारी हैं इस वक्त हमारे साथ. सुमेरा जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. सुमेरा कैसी हैं, क्या कहेंगी? जी जी क्या हाल है आपका? साहिर भाई आए हुए हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा. क्यों साहिर हमारे शो पे नहीं आ सकते? मतलब आपकी शो पे आई है, मैं इतने अर्से से मतलब इनसे कॉन्टेक्ट. आप साहिर से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक भाई, आपका क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक सुमेरा, बिल्कुल ठीक ठाक. साहिर भी और मैं इतनी नर्वस हो रही हूँ कसम से, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या बात कर रही. नहीं नहीं आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं, मैं बात कर लेता हूँ, मैं शुरू कर लेता हूँ. मुझे बताइए आप क्या करती हैं? मैं घर में होती हूँ साहिर भाई, पहले मेरी बात सुने ना. उससे मैं अपने दिल में ना आपको, मैंने भाई कहा हुआ है ना, मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं आपको दिल से अपना भाई मानती हूँ. आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं कितनी खुश हूँ इस टाइम, रोने को मेरा दिल कर रहा है. सुमेरा रो लो. आपको आपको देखो अपना मेरा हाथ फील करना, तुम्हारे सर पे रख रहा हूँ, ठीक है? तो यू आर माय लिटिल सिस्टर और इट्स कोई कोई मसला नहीं. चाय पी जी? आज जिस कप में चाय पी रहे हो ये मेरे लिए. ओ आपको दे देंगे बिल्कुल सुमेरा, ये कप आपको हम भिजवाएंगे डेफिनेटली. आई साइन इट, मैं सुमेरा इसको साइन कर दूंगा और इसके बाद तुमको दे दूंगा, ठीक है? थैंक यू भाई. ओ बच्चे ऐसा अच्छा नहीं. भाई सुमेरा का नंबर ले, शो के फौरन बाद हमने सुमेरा से बात करवानी है. साहिर आपको कॉल करेंगे शो के फौरन बाद, ठीक है सुमेरा? और फिर जो दिल की बात है आपने आज कहनी है साहिर से, ठीक है? ओके हाय मेरी जान जी. बिशारत अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी बिशारत साहब, साहिर क्या हाल है? हमारे साथ हैं बिल्कुल अल्लाह का करम, क्या कहेंगे? जी अभी मैं साहिर भाई से बात करना चाहूँगा. प्लीज कीजिए जी. बिशारत अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक साहिर भाई, आप सुनाएं? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास. बिशारत साहिर भाई मैं आपको लगातार शो देखता हूँ. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपका शो. थैंक यू जो साहिर भाई आप अपने शो का टाइम बढ़ाएं ना प्लीज. मैं अपने शो का टाइम बढ़ाऊं? जी आप जियो जियो को फोन करके बताएं. सही. आई थिंक बढ़ जाएगा. अब हम लोग इसको लाइव कर रहे हैं 3 अक्टूबर से. वैसे मेरा ख्याल है कि ये सर हेलो. जी 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 फरमाइए जी. सर आपसे बात करनी थी एक. जी बोलिए सर. हम में ना वो टैलेंट है, मैं लिखारी का भी है और एक्टिंग में करना चाहता हूँ. अच्छा प्लीज मुझसे रब्ता कीजिए. एक काम कीजिए बशारत, अपना नंबर छोड़ दीजिए तो मैं आपको जहीर का और रास का नंबर सेंड कर दूंगा और वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ठीक है? प्लीज सर आपका मैं नंबर छोड़ता हूँ. आपका नंबर हमने नोट डाउन कर लिए. लाइन पे रहिए, लाइन पे रहिए क्योंकि आपका CLI पे नहीं आ रहा. लाइन पे रहिए, आपका नंबर लेते हैं और साहिर को इंशाल्लाह जरूर दे देंगे और आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा. साहिर ऑन स्क्रीन एंड साहिर ऑफ स्क्रीन सेम, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. But you're very charming on screen. I'm not trying to say that you're not charming otherwise. थोड़ा real life के अंदर मैं थोड़ा private हूँ. Well, आप बहुत serious एकदम से, जैसे ही cameras बंद होते हैं, you're a different person. I'm not talking inside, but your outside is different. I think सिर्फ बच्चों के अंदर ऐसा होता है कि मैं बहुत खुश होता हूँ. Otherwise, जब camera off हो गया, तो एक मेरी जो अपनी शख्सियत है, शायद उसमें इतना मजाह नहीं है. शायद वो बहुत संजीदा सी, बहुत boring सा एक आदमी है जो घूमता रहता है. And trying to figure out what's going on in the world. I'm sorry, आपकी बात काट रही हूँ, मगर ऐसा नहीं होता कि लोग differently expect कर रहे होते हैं. Even वो लोग जो आपके करीब होते हैं या साथ रहते हैं, वो कहते हैं यार स्क्रीन के ऊपर तो इतना हर किसी के लिए entertainment और घर आए. नहीं घर आके नहीं, घर आके नहीं, घर में तो I think I'm the only entertainer in my house. Really? हाँ, besides my mother and me. अच्छा अम्मा की बात आई. अम्मा एंटरटेनर इसलिए नहीं है, अम्मा एंटरटेनर है हमारे जो घर में जितने भी लोग काम करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम लोग किसी भी शख्स को 3 महीने से ज्यादा रिटेन नहीं कर सकते. रियली? हां, माय मदर डजंट लाइक एनीवनस वर्क. अम्मा you know that I love you. आपको पता है मतलब आप ऐसा करते हैं कि ऐसी की बात करते हैं और साथ फिर आपने मतलब वो बैलेंस सा चल रहा है. अम्मा नोज यू बैलेंस, ऑफ कोर्स शी नोज मी, शी नोज मी. तो उन्होंने कहा अरे भाई शुरू हो गया दोबारा से.
She knows me like anything. I don't think there is any other woman in the world who actually knows me more than my mom. My mom, मैं उनका बेटा हूँ. वो सब चीजें समझती हैं. वो चीजें समझती हैं जो मैंने कभी उन्हें समझाई नहीं है. और वो अचानक और जो नहीं समझाई वो ज्यादा समझती होंगी. हाँ, वो ज्यादा समझती हैं. वो सच्ची में ज्यादा समझती हैं. तो आई थिंक घर के अंदर तो ऐसा नहीं है, दोस्तों के साथ ऐसा नहीं है. इनफैक्ट मेरी अपनी टीम जो है 18-19 मेंबर्स हैं उस टीम के, तो वो बड़े उदास हो जाते हैं जब मैं नहीं होता हूँ, जब मैं यूएस में होता हूँ या मैं कहीं और होता हूँ. तो आई थिंक वो थोड़ा ऐसा बोलते हैं, बोले यार आप जाते हैं तो फिर हमको अच्छा नहीं लगता. लेकिन नॉर्मली आई थिंक मैं एक प्राइवेट थोड़ा सा संजीदा सा आदमी हूँ. लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, जिनके साथ मेरा मतलब थोड़ा टाइम लगता है मुझे खुलने में लोगों के साथ, लेकिन फिर उसके बाद जब एक बार हो जाता है तो फिर वो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है. एक बात मैं भूल जाऊँगा, मेकअपिश फाउंडेशन के मैं एक शो में गया था, मैंने भी उनका रिसेंटली एक शो किया है, और वहाँ बच्चा है शहजाद सलीम, उसके लिए प्लीज़ दुआ कीजिए. अभी तक हमें उसकी कोई इत्तला नहीं आई है. उसका किडनी ट्रांसप्लांट था, वो होना था. अच्छा. तो और उसकी मदर ने उसका किडनी दिया है. और ब्रेवरी जो है ना, कभी कभी मैं सोचता हूँ यार कि हम लोग मतलब ये लाइट्स हैं, ये कैमरा है, 10 लोग आपको मानने वाले हैं, आपके लिए चाय लाते हैं, कॉफ़ी लाते हैं. बच्चों वो लोग, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, दे वर लाइक 10, 11, 12 किड्स जो वहाँ बैठे हुए थे, एंड दे वर टर्मिनली इल. वो उनकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है. मेरा एक स्क्रिप्ट है, मैंने वो लाइन अपने शो में भी बोली है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ. मेरा वो एक स्क्रिप्ट है, और उस स्क्रिप्ट की एक लाइन है जो मैं ही डिलीवर करता हूँ, कि आपको पता है एक मरते हुए आदमी के लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? उसका जिंदा रहना. चार दिन? नो, इट्स अ फिल्म. तो द थिंग इज कि मैंने उन बच्चों में फियर नहीं देखा, अफसोस देखा. कितनी बड़ी बात है ये. फियर बिल्कुल भी नहीं है. फिर जब उनको, एक बच्चा था वो इसलिए नाराज़ हो गया, रोने लगा कि मुझे टाइम नहीं मिला. बहुत सारे लोग थे वहाँ, 200-300 लोग थे, तो वो सब तस्वीरें बनवा रहे थे. तो अदनान उसका नाम है. तो अदनान ने फिर वॉचिंग इट, आई लव यू, एंड फिर उसके बाद ज़ाहिर है उसके साथ तस्वीरें भी बनवाई. लेकिन वो बच्चे जिस ब्रेवरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे थे, वो शायद दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती. तो मैं बात ये हो रही थी कि मैं कौन हूँ, मैं ऐसे कैसा हूँ, वैसे कैसा हूँ. आई थिंक मैं जैसा भी हूँ मैं ऐसा ही हूँ. मैंने कभी इस बात की फिक्र नहीं की कि मेरे चेहरे पे पसीना आ रहा है नहीं आ रहा, मैंने कौन से कॉम्बिनेशन के कपड़े पहने हैं नहीं पहने. अब तो फिर मैं शायस्ता के कहने पे बहुत कुछ बेहतर हो गया हूँ. लेकिन लोग कहते हैं कि आपका जो ड्रेस सेंस है इज टोटली डिफरेंट देन द रेस्ट, जो हम टेलीविजन के ऊपर देखते हैं लोग, उनसे बहुत मुख्तलिफ हट की है ये इंस्पिरेशन जो है, जिस तरह आपने कहा कि शायस्ता की वजह से. नहीं नहीं नहीं, हाँ. तो ड्रेस सेंस में कभी कोई किसी की इंस्पिरेशन नहीं. हाँ, बिल्कुल. शायस्ता मुझे मेकअप के लिए बोलती है कि तुम मेकअप कर लो थोड़ा सा ज्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगता. तो जाहिर है वो बिल्कुल सही कह रही है कि आप जब टेलीविजन पे आते हैं तो सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. माई मदर ऑलवेज टेल्स मी कि इफ़ यू लुक गुड देन पीपल आर गोइंग टू लिसन टू यू. ये एक ऐसी बात है जिससे मैंने कभी अग्री नहीं किया. मैं ये समझता हूँ लोग मुझे इसलिए नहीं पसंद करते कि मैं अच्छा दिखूंगा. मैं इससे अच्छा दिख नहीं सकता जितना मैं लगता हूँ. लेकिन अगर मेरा कंटेंट कमजोर हो जाएगा तो लोग मुझे सुनना और देखना छोड़ देंगे. बिल्कुल सही. तो मैं अपने कंटेंट पे थोड़ा ज्यादा तवज्जो देता हूँ. तो ये एक चीज है. आई स्टिल स्ट्रगल विद इट, आई नेवर वॉच माय शोज. मेरा एक फियर है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ. वो फियर ये है कि मुझे नहीं पता कि मेरा फेस कैसा लगेगा, मैं कैसा लगता हूँ. तो दिस इज वेरी ट्रू. आई हैव नेवर वॉच्ड माय ओन शोज. You don't watch your shows because आप ये सोचते हैं कि आप पता नहीं कैसे लग रहे होंगे. मेरे को अजीब लगता है. मतलब मिस्टर साहिर लोधी, जिसको यूथ और लड़के और खास तौर पे लड़कियां लुक अप करती हैं, उनको ये फियर है कि वो कैसे दिखते हैं. नहीं, ये नहीं दिखता नहीं. मतलब आई जस्ट डोंट वॉच माय शोज. आई डोंट नो व्हाई. आर यू स्कैर्ड? एक बार. नो, इट्स नॉट स्कैर्ड. आई थिंक अ बिट, यस. ऑफ व्हाट? आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू लुक. और मुझे 10 चीजें बुरी नजर आ जाएंगी. सही. फिर जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाएगी. सही. मैं अपने ही काम में निकालने लगूंगा. मैं क्रिटिक बहुत लेता हूँ. मेरे लोग हैं जिनसे मैं कहता हूँ कि प्लीज इसको देखिए. आई रिस्पेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल जब वो मेरे पास आते हैं. खावर साहब इज वन ऑफ देम, इकबाल अंसारी इज वन ऑफ देम, फ्यू अदर पीपल आर देयर इन द इंडस्ट्री, और आई लुक अप टू देम एंड दे टेल मी, स्पेशली माई मॉम, शी टेल्स मी एंड माई डैड कि ये प्रोग्राम अच्छा था, ये प्रोग्राम बुरा था. तो आई थिंक वो तो एक चीज़ होती है, बट मैं नहीं देख पाता अपनी कोई भी चीज़. अच्छा, और बहुत कुछ है जो हमने साहिर के बारे में जानने, और अपनी माँ का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, एंड आई नो व्हाट शी मींस टू यू. आपने अपनी जो वेबसाइट है वो भी अपने पेरेंट्स के नाम डेडिकेट की है, एंड अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स एक और बंदा है जिसके एक बंदी जिसके नाम की है. उस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे. और जब हम वापस आएंगे तो हम साहिर से ये पूछेंगे, ज़ाहिर सारी ज़िंदगी साहिर को अपनी माँ का प्यार मिला है, मगर हम ये पूछेंगे कि साहिर को अपनी माँ पे
कब सबसे ज्यादा प्यार आता है? वी विल फाइंड आउट आफ्टर दिस ब्रेक.